नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम 10 साल हो गया लगभग इस फील्ड में हैं, स्टार्टअप के फील्ड में या लीगल कंसल्टेंसी के फील्ड में हम लोगों को एडवाइस देते हैं। और काफ़ी सारा बिजनेस हमने खड़ा किया है जो बहुत पॉपुलर ब्रांड भी है, कुछ जो मार्केट में चल रहा है, नाम उसका बताना सही नहीं है इस पब्लिक व्यू में। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो हम भेज सकते हैं कि हमने किसके किसके साथ काम किया है। मगर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था बार बार, क्योंकि हमारा ऑफिस कोलकाता में है तो मैक्सिमम यहाँ पे जो मेंटेलिटी है लोगों का वो जॉब मेंटेलिटी है कि कोई सरकारी नौकरी पकड़ना है या फिक्स सैलरी वाला काम पकड़ना है या मान लीजिए ऐसा काम पकड़ना है 10 बजे जाएँ 4 बजे आ जाएँ, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो है ये माइंडसेट यहाँ पे है। मगर मेजॉरिटी जो है इसी संख्या में आपको मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसी तरीके हैं। तो इसी सिलसिले में बार बार एक हमारे पास क्वेश्चन भी आ रहा था कि आप लोगों का तो मान लीजिए यहाँ पे कितने प्रोफेशनल आप लोग हैं या कितने कौन से व्यापारी हैं जो आपके एरिया से आते हैं या कौन से जगह से डिपेंड करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैंने ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया है कि देखिए वेस्ट बंगाल तो बहुत पुराना शहर है मगर यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन पैदा हुए हैं जो आज की डेट में भी उनका बहुत पॉपुलर नाम है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचते थे कि ये लोग सिर्फ जॉब करते हैं, जॉब के अलावा बिजनेस में इनका हाथ नहीं है। सबसे पहले मैं देखिए जो हमारा साउंड स्पीकर आपने देखा होगा, बॉस कंपनी, आपका काफ़ी फेमस नाम सुना होगा आपने, अमर बॉस जो बॉस फाउंडेशन के मालिक थे, कॉरपोरेशन के, जो अभी अमेरिकन सेटल्ड कंपनी है बॉस, वो भी उसका भी ऑनर एक बंगाली पर्सन ही है। दूसरा आपने डाबर कंपनी का नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है जो पूरे इंडिया में ही आपने देख रहा होगा डाबर, उसका भी जो ऑनर थे जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था एस के बर्मन, वो भी एक बंगाली ही थे। तीसरा अभी जो अभी प्रेजेंट में है वो आदमी, मगर अभी थोड़ा पोजीशन उनका ख़राब है, मगर फिर भी आप उनको जानते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और पहले क्रिकेट में लोग टीम को फाइनेंस भी कर चुके हैं, सुब्रतो राय सहारा, वो भी एक बंगाली ही थे। चौथा अभी आप दो और एग्जांपल है जो एकदम अभी लाइव में अभी चल रहा है, जैसे NDTV आप लोग देखते होंगे, न्यू दिल्ली TV टेलीविज़न बोल के उनका जो कंपनी है NDTV, वो भी प्रणय रॉय उनका भी जो ऑनर है वो भी बंगाली ही है। और पांचवा जो आपने बंधन बैंक का नाम सुना होगा जो काफ़ी फेमस बैंक है और अभी कुछ दिन पहले रिलायंस को पछाड़ के उसने बैंक की कैटेगरी में एंट्री मारा, चंद्रशेखर घोष उनका भी जो ऑनर है वो भी बंगाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बंगाल की धरती पे बिजनेसमैन पैदा नहीं हुए या लोग बिजनेस नहीं किए, ये सारे लोग ही आज की डेट में पांचों लोग इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में हैं या कहीं ना कहीं नाम है या कहीं ना कहीं इनका कंपनी चल रहा है। तो बिजनेस हर एक जगह है, मौका आपको पकड़ना है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप कैसे इसको निकालते हैं बाजार में। आपका सोच क्या है, आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर आप नौकरी छोड़ के या जॉब करते हुए भी चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं, या आप न्यू कमर हैं नए इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे भी आप आ सकते हैं मार्केट में। पहले के समय था कि गवर्नमेंट इतना ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, मगर अभी के समय में बहुत टेक्नोलॉजी हाई है, एक जगह से बैठ के आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी नए एंटरप्रेन्योर हैं और चाहते हैं कि बंगाल में बिजनेस करें या बंगाल में बैठ के बाहर बिजनेस करें तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। जिस तरह का भी टेक्निकल हो या टेक्नोलॉजी के थ्रू हो या लाइसेंसिंग के थ्रू हो, सब चीज़ में हमारा इन्वॉल्वमेंट है पिछले 10 साल से। अगर आप आगे निकल के आते हैं तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, खासकर जो जानना चाहते थे बंगाल के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। और कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं बिजनेस छोड़ के भी, और अगर हमें टाइम मिलेगा तो उस पर भी हम ज़रूर आपको जानकारी देंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।